दोस्तों स्पाइडरमैन ट्रिलॉजी के बाद जब स्पाइडरमैन मूवी को रीबूट किया गया तो उस मूवी का नाम दी अमेजिंग स्पाइडरमैन रखा गया, जिसके दो चैप्टर हमें सिल्वर स्क्रीन पर देखने को मिले, जिस मूवी में स्पाइडरमैन का रोल निभाया एंड्रयू गारफील्ड ने। दोस्तों इस वीडियो से पहले मैंने स्पाइडरमैन ट्रिलॉजी के तीनों मूवीज के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर दी है, जो आपको आई बटन पर दिख रही होगी। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको दी अमेजिंग स्पाइडरमैन मूवीज के दोनों पार्ट्स के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बताऊंगा, पर इससे पहले अगर आप हमारे चैनल आर्मी डॉक्यूमेंट्री पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों दी अमेजिंग स्पाइडरमैन की पहली फिल्म आई थी जुलाई साल 2012 में। इस मूवी का बजट था 213 मिलियन यूएस डॉलर और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया था 758 मिलियन यूएस डॉलर। इंडियन करेंसी के हिसाब से इस मूवी का बजट था 1610 करोड़ रुपए और इस मूवी ने कमाए थे 5500 करोड़ रुपए। इस मूवी को रेटिंग मिले हैं 6.9 आउट ऑफ 10 IMDb पर। इस मूवी की सफलता के दो साल बाद मई साल 2014 में आई द अमेजिंग स्पाइडरमैन पार्ट 2। इस फिल्म का बजट था 293 मिलियन यूएस डॉलर और इसने बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया था 709 मिलियन यूएस डॉलर। इंडियन करेंसी के हिसाब से इस मूवी का बजट था 2100 करोड़ रुपए और इस मूवी ने कमाए थे 5100 करोड़ रुपए। इस मूवी को रेटिंग मिले हैं 6.6 आउट ऑफ 10 IMDb पर। यह मूवी भी बॉक्स ऑफिस पर एक सफल मूवी साबित हुई, पर आगे किसी कारणवश द अमेजिंग स्पाइडरमैन पार्ट 3 मूवी नहीं बन पाई और द अमेजिंग स्पाइडरमैन मूवी सीरीज में सिर्फ हमें दो मूवीज ही देखने को मिली। दोस्तों आपको द अमेजिंग स्पाइडरमैन मूवी सीरीज कैसी लगी यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ।